नमस्कार, शुरू करते हैं आज का एक न्यू लेसन जिसका शीर्षक है पंचायती राज व्यवस्था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का मुख्य लक्ष्य क्या था? मजबूत और सक्षम गांव। लक्ष्य था मजबूत एंड सक्षम गांव। तो मजबूत का गांव मजबूत और सक्षम कैसे होगा? कृषि का विकास होगा, जलाशय का निर्माण होगा, जल संरक्षण होगा, स्वच्छता होगा, शिक्षा का विकास होगा, तभी तो गांव सक्षम और मजबूत बनेगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इससे संबंधित, 1880 से 84 के मध्य लॉर्ड रिपन का शासनकाल पंचायती राज व्यवस्था का गोल्डन एरा कहलाता है, स्वर्ण काल। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब था? 1880 से 84। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्रता 1947 में मिला, लेकिन पंचायती राज को नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 40 में रखा गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, पंचायती राज को कहाँ जगह दिया गया? आर्टिकल 40 में। कौन सा भाग? 4। भाग 4 कितना है? आर्टिकल 36 से 51। तो पंचायती राज शुरू करने के लिए नेहरू सरकार ने 1957 में एक समिति बनाया था, इसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। उसका 1957 में इसको बनाया गया, उसने समिति बनाई जिसने कुछ सुझाव जरूर देगा। तो इसने सुझाव दिया जो पंचायत व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय होना चाहिए, जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला के विकास के लिए जिला परिषद। बलवंत मेहता ने, इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से आता है, त्रिस्तरीय और पंचायती व्यवस्था का सुझाव किसने दिया? आंसर होगा बलवंत मेहता। इसका सुझाव दिया तो सरकार ने अप्रैल 1958 में इसका स्वीकृति सुझाव मान लिया। तो सरकार ने इसकी स्वीकृति मान ली तो राजस्थान विधानसभा ने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। कब? राजस्थान सबसे पहले किसने अपनाया? राजस्थान ने। कब? 1959 में। तो ये शुरू कहाँ कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ से? राजस्थान से। किस जिले? नागौर जिले में। किसने शुरू किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरू की। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बहुत से सवाल बन रहे हैं, जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले किसने अपनाया? राजस्थान ने। कब अपनाया? 1959। कब अपनाया? 2 अक्टूबर 1959। शुरू कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959। कहाँ से शुरू हुआ? राजस्थान के नागौर जिले में। शुरू किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राजस्थान के बाद दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश, जिसने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। बलवंत मेहता समिति 1957 में बना, उसके बाद 1977 में एक अशोक मेहता समिति का निर्माण किया गया। इसने बोला कि नहीं, पंचायत का स्तर 3 स्तर नहीं, 2 स्तर का होना चाहिए। सुझाव इतने दिया द्विस्तरीय पंचायत समिति का। कौन कौन था सा? जैसे कि मंडल स्तर पर मंडल पंचायत का और जिला स्तर पर जिला पंचायत का सुझाव दिया। किसने? अशोक मेहता समिति ने। इसमें सवाल पूछा जा सकता है, द्विस्तरीय पंचायत समिति का सुझाव किसने दिया? तो आंसर होगा अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायत समिति का सुझाव दिया था। अगला पॉइंट है पीवीके राय समिति 1985। पीवीके राय समिति कब घोषित किया बनाया गया था? 1985। उसने सुझाव दिया नहीं, 3 स्तर भी नहीं, 2 स्तर भी नहीं, 4 स्तर का होना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था का 4 स्तरीय किसने सुझाव दिया? पीवीके राय समिति। तो इसने क्या सुझाव दिया? नहीं, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद होना चाहिए, जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए, और मंडल स्तर पर एक मंडल पंचायत का गठन होना चाहिए, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए।
तब इतना सुझाव आ गया, तो उसके बाद हुआ क्या? हुआ का 73वां संविधान संशोधन संशोधन 1993 में पारित हुआ, लेकिन संशोधन अधिनियम 1992 का था। 93 में पारित के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 1993। संवैधानिक दर्जा दे दिया, इसको संविधान में कहीं तो रखेंगे जरूर, इसको रखा कहाँ गया? इसको भाग 9 में आर्टिकल 243 क से न के बीच कहाँ रखा गया? भाग 9 में आर्टिकल 243 से क से न के बीच, और अनुसूची किस में रखा गया? 11वीं अनुसूची में रखा गया। और 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? कार्य क्षेत्र 29। इसमें दो सवाल महत्वपूर्ण है, पंचायती राज व्यवस्था को किस अनुच्छेद में रखा गया संवैधानिक दर्जा देने के बाद? भाग नौ आर्टिकल 243 से क से नौ, और अनुसूची 11वीं अनुसूची में इसको रखा गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है पंचायती राज व्यवस्था से, वो देख लीजिए, 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाएंगे। आपका अगर राज्य में 20 लाख प्लस जनसंख्या है तो त्रिस्तरीय अपनाएंगे, बलवंत राय मेहता समिति वाला। अगर 20 लाख कम 20 लाख कम से है तो अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय वाला अपनाएंगे। ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वां संविधान संशोधन 1952 अधिनियम 1952-92 जो 93 में पारित हुआ था, उसको ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा मिला। तो चुनाव की अवधि क्या रखा गया? 5 साल रखा गया, चुनाव की अवधि 5 साल। और अगर ग्राम पंच सभा भंग हो जाए तो कितने दिनों चुनाव कराना है? 6 महीने। और ST और SC महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% सीट का आरक्षण रिजर्व कर दिया, महिलाओं ST SC महिला के लिए 33% सीट का रिजर्व। प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग का गठन किया गया, राज्य में भी वित्त आयोग, पहले सेंट्रल में पढ़ते आ रहे थे अब राज्य में भी। और पंचायती राज व्यवस्था का में क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका मॉनिटरिंग करने का जिम्मा किसको दिया गया है? ग्रामीण विकास मंत्री का जिम्मा है। तो इतना तो हो गया, लेकिन अब ये निर्वाचन कौन करेगा? तो निर्वाचन का जिम्मा राज्य सरकार को दे दिया गया, पंचायत के निर्वाचन का जिम्मा राज्य सरकार करती है। तो ये थे, इतने इम्पोर्टेंट है, अब इस